नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो किड्स, हाउ आर यू? स्टैंडर्ड नर्सरी। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट पिक्चर वर्ड। आज का हमारा टॉपिक है पेज नंबर 12 इन द किचन। किचन यानी रसोई घर। रसोई घर में कौन कौन सी चीज़ें होती है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। देखो बच्चों, ये किसका पिक्चर है? ये है गैस स्टोव। स्टोव का मतलब होता है चूल्हा। गैस स्टोव पर हम खाना बनाते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? गैस स्टोव। आप भी मेरे साथ बोलना, ये कौन सा पिक्चर है? गैस स्टोव। देखो बच्चों, ये नेक्स्ट पिक्चर है यूटेंसिल्स। कौन सा पिक्चर है? यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन। क्या मतलब होता है? बर्तन। मेरे साथ बोलो आप भी, हाँ, यूटेंसिल्स। ये यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन। बर्तन का इस्तेमाल खाना रखने के लिए होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? यूटेंसिल्स। देखो ये नेक्स्ट पिक्चर कौन सा है? टी पॉट। कौन सा पिक्चर है मेरे साथ बोलो? टी पॉट। टी पॉट का मतलब होता है चाय की केतली। तो इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? इसका इस्तेमाल चाय रखने के लिए किया जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? टी पॉट। मेरे साथ फिर से बोलो, टी पॉट। देखो बच्चों, ये पिक्चर कौन सा है? ये है गैस लाइटर। किसका पिक्चर है? गैस लाइटर। गैस लाइटर का उपयोग हम किचन में गैस स्टोव ऑन करने के लिए किया जाता है। किसके लिए उपयोग किया जाता है? गैस स्टोव को ऑन करने के लिए। तो इस पिक्चर को हम क्या कहेंगे? गैस लाइटर। मेरे साथ आप फिर एक बार रिपीट करो, किसका पिक्चर है? गैस लाइटर। देखो ये किसका पिक्चर है? आपको तो पता ही होगा, ये है प्लेट। किसका पिक्चर है? प्लेट का। तो मेरे साथ आप भी बोलो, प्लेट। तो प्लेट का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? प्लेट का इस्तेमाल खाना रखने के लिए किया जाता है, तो हम इस पिक्चर को क्या बोलेंगे? प्लेट। ये पिक्चर कौन सा है? ये है फोर्क। किसका पिक्चर है? फोर्क। फोर्क यानी काटा चम्मच। आपको मैगी नूडल्स पसंद है ना, तो मैगी और नूडल्स हम खाने के लिए किस चम्मच का उपयोग करते हैं? फोर्क का, यानी कि काटा चम्मच। मेरे साथ एक बार आप फिर से बोलो, ये किसका पिक्चर है? फोर्क। नेक्स्ट पिक्चर इज स्पून। ये किसका पिक्चर है? स्पून। स्पून यानी चम्मच। आप मेरे साथ बोलो, स्पून। स्पून का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? खाना खाने के लिए, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्पून। ये पिक्चर कौन सा है? स्ट्रेनर। किसका पिक्चर है? स्ट्रेनर। इसका मतलब होता है चाय की छन्नी, तो इसको हम क्या कहेंगे? मेरे साथ बोलो, स्ट्रेनर। क्या कहेंगे? स्ट्रेनर। चाय छानने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये पिक्चर है जग। किसका पिक्चर है? जग। जग को हम जग भी कह सकते हैं। जग में हम पानी, जूस या
कोई भी लिक्विड, हम इस लिक्विड को भरने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे साथ आप भी बोलो जग। किसका पिक्चर है? जग। ये किसका पिक्चर है? एप्रन। क्या कहेंगे हम इसको? एप्रन। एप्रन का इस्तेमाल किचन में हम खाना बनाते समय हमारे कपड़े गंदे ना हो इसके लिए हम एप्रन पहनते हैं, तो हम इसको कहेंगे एप्रन। मेरे साथ आप भी बोलो, क्या कहेंगे हम इसको? एप्रन। देखो इस पिक्चर में क्या है? नाइफ। नाइफ को हम कहेंगे चप्पू। किचन में नाइफ का इस्तेमाल सब्जी और फ्रूट कटिंग के लिए किया जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? नाइफ। वेरी गुड। मेरे साथ एक बार फिर से बोलो, क्या कहेंगे हम इसको? नाइफ। देखो इसको कहेंगे हम फ्राइंग पैन। क्या कहेंगे? फ्राइंग पैन, यानी कि कढ़ाई। तो किचन में फ्राइंग पैन का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता है। कोई भी सब्जी वगैरह हम इसमें फ्राइंग पैन में बना सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? फ्राइंग पैन। मेरे साथ एक बार फिर से बोलो, क्या कहेंगे? फ्राइंग पैन। देखो बच्चों, ये किसका पिक्चर है? आपको आता ही है, ये है ग्लास। क्या है? ग्लास। तो आपको तो पता है ग्लास का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? पानी, जूस या मिल्क हम इसमें पी सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? ग्लास। मेरे साथ एक बार फिर से आप रिपीट करो, ग्लास। बच्चों ये किसका पिक्चर है? ये है मग। किसका पिक्चर है? मग। देखो तो इसका कलर कौन सा है? इसका कलर है रेड। कौन सा कलर है? रेड कलर का। तो मग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? आपको तो पता ही होगा। हम रोज सुबह मिल्क पीते हैं ना, तो किसमें पीते हैं? मग में। तो मेरे साथ एक बार रिपीट करो, इसको हम क्या कहेंगे? मग। देखो बच्चों ये किसका पिक्चर है? नेपकिन। नेपकिन यानी कि रुमाल भी कह सकते हैं। नेपकिन का इस्तेमाल किचन में हाथ पोछने के लिए किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? हाथ पोछने के लिए। तो मेरे साथ एक बार रिपीट करो, ये कौन सा पिक्चर है? नेपकिन। नेपकिन यानी रुमाल। एक बार हम फिर से पिक्चर के द्वारा किचन के ऑब्जेक्ट्स को फिर से देखेंगे। तो अब हम इस पिक्चर को क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे गैस स्टोव। देखो अब ये पिक्चर कौन सा है? आपको तो पता होगा, हमने पहले भी एक बार इसको बोला था। कौन सा पिक्चर है? वेरी गुड, ये है टी पॉट। कौन सा पिक्चर है? टी पॉट। देखो बच्चों, इसे तो हम टी पॉट कहते हैं, बट इसका हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? मैंने आपको बताया था, आपको पता है किसके लिए करते हैं? इसका इस्तेमाल चाय रखने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं टी पॉट। अब यहाँ पर कौन सा पिक्चर है? ये है प्लेट। इसे क्या कहेंगे हम? प्लेट। देखो बच्चों ये कौन सा पिक्चर है? ये है गैस लाइटर। कौन सा पिक्चर है? गैस लाइटर। अब ये देखो ये कौन सा पिक्चर है? मैंने आपको बताया था, ये है जग। अब मुझे ये बताओ ये कौन सा पिक्चर है? ये है ग्लास। अब ये देखो ये कौन सा पिक्चर है? ये है स्पून। अब ये नेक्स्ट पिक्चर कौन सा है? ये है नेपकिन। ये कौन सा पिक्चर है? ये है फ्राइंग पैन। नेक्स्ट वन इज फोर्क।
ये कौन सा पिक्चर है? फोर्क। देखो बच्चों, ये कौन सा पिक्चर है? ये है मग। इसका कलर कौन सा है? रेड। अब ये नेक्स्ट पिक्चर है स्ट्रेनर। कौन सा पिक्चर है? स्ट्रेनर। ये क्या है? एप्रन। कौन सा पिक्चर है? एप्रन का। नेक्स्ट पिक्चर ये कौन सा है? यूटेंसिल्स। किसका पिक्चर है ये? यूटेंसिल्स। ये क्या है? हमने ना अभी आपको बताया ना पिक्चर के द्वारा, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे गैस स्टोव। यहाँ से हम इसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप बोलो, इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम गैस स्टोव। देखो तो ये गैस स्टोव का कलर कौन सा है, आपको पता है? इस गैस स्टोव का कलर है पिंक। देखो बच्चों, इसे हम क्या कहेंगे पता है? इसे कहेंगे हम टी पॉट। क्या कहेंगे? टी पॉट। इसमें हम क्या रखते हैं? इसमें हम रखते हैं चाय। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे नाइफ। नाइफ का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? नाइफ का इस्तेमाल सब्जी और फ्रूट कटिंग के लिए किया जाता है। हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे फोर्क। फोर्क यानी काटा चम्मच। इसका इस्तेमाल नूडल्स खाने के लिए किया जाता है। इसे हम कहेंगे फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन का इस्तेमाल सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? फ्राइंग पैन। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्पून। स्पून यानी चम्मच। तो इसको हम क्या कहेंगे? स्पून। इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेनर। इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? चाय छानने के लिए किया जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेनर। इसे क्या कहते हैं? मग। इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? मिल्क पीने के लिए। तो इसको हम क्या कहेंगे? मग। इसको क्या कहते हैं? जग। इसमें हम क्या रखते हैं? जूस। तो इसको हम क्या कहेंगे? जग। अब इसे क्या कहते हैं? एप्रन। क्या कहते हैं? एप्रन। जब हम खाना बनाते हैं तब इसको पहना जाता है। क्या कहते हैं? नेपकिन। नेपकिन का इस्तेमाल हाथ पोछने के लिए किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? ग्लास। क्या कहते हैं? ग्लास। इसे क्या कहते हैं? प्लेट। क्या कहते हैं? प्लेट। इसे क्या कहते हैं? यूटेंसिल्स। इसका इस्तेमाल सभी खाने को रखने के लिए किया जाता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।